अजय प्रताप सेवा समिति का गठन किया गया है, उसका क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इन नौजवान जितने हैं हमारे भाई, छोटे भाई, जिन्होंने इस सेवा समिति का गठन किया है, इनकी सोच भी इन्हीं की है और गठन किया हुआ भी इन्हीं का है, जितने हमारे भाई हैं, और सिर्फ एक ही इनका सोच है और ध्येय है, हमारा भी और इनका भी, कि मानव कल्याण, जो मानव का कल्याण हो, जमुई के लोगों का कल्याण हो, जिसमें उसी ध्येय से इस सेवा समिति का संगठन किया गया है। क्या इस चीज़ से क्या आगे संदेश देना चाहेंगे युवाओं? इस चीज़ से संदेश जितने, और ये लोग तो खैर कार्य समिति में हैं और कार्यकारिणी में हैं, और भी जितने लोग सदस्य बनना चाहें इस अजय प्रताप सेवा संगठन का बन सकते हैं, उनके उनके लिए द्वार खुला हुआ है, स्वागत है उनका। हम सिर्फ इतना चाहते हैं जितना युवा हैं वो संगठित हों, एक जगह पर आएँ, तो हम जैसे अस्पताल का मामला हुआ, सड़क का मामला हुआ, रोजगार का मामला हुआ, चाहे हम सरकार में रहें ना रहें, हम हमेशा लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। तो जो नौजवान जुड़ेंगे तो वो हमारी एक शक्ति बनेंगे, तो हमारे साथ वो भी आवाज़ बनेंगे, और वो आवाज़ बनेंगे तो उसी में से कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, कुछ जनकल्याण भी करेंगे, कुछ व्यापार भी करेंगे, कुछ आगे नेता भी बनेंगे, तो उसी में से लोग आगे उभर के आएंगे। तो हम चाहते हैं उनको भी एक मंच मिले, चाहे वो कलाकार हों, चाहे पेंटर हों, तो उनके लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालेंगे, कोई गलिया, एक मंच तलाशेंगे कि उनके लिए भी हम एक रास्ता तैयार करें। इसमें कई लोगों को सर सम्मानित किया गया है पद लेकर के, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सभी नौजवान जो पद के लिए, वो सम्मानित तो पहले से थे, पद से सम्मानित नहीं होते हैं, उन्होंने पद को, पद लेके उन्होंने पद को सुशोभित किया, ये मेरे लिए गौरव की बात है, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि उन्होंने पद को स्वीकार करके उसको सुशोभित करने का काम किया। और सभी कर्मठ हैं, सभी जानते हैं काम कैसे किया जाता है, लोगों को जोड़ा कैसे जाता है, ये सभी लोग जो इस पद पे हैं, जो जिस चीज़ पद पे हैं, वो सभी लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, और सभी वर्ग के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं, दलित वर्ग, सब वर्ग से हैं लोग उसमें। पद के लिए आपको पदस्थापित किया गया है इस अजय प्रताप सेवा समिति? युवाओं के हृदय सम्राट, जमुई के विकास पुरुष, पूर्व विधायक अजय भैया हम लोगों को संगठन में जिम्मेदारी दिए हैं विधायक प्रतिनिधि के रूप में। इसमें हमको सबसे अहम भूमिका अस्पताल की लचर व्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि विभाग, प्रखंड अंचल, शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने का आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, एवं जहाँ भी कम्युनिज्म, करप्शन, क्राइम, क्रिमिनल के खिलाफ हम लोग, करप्शन ये ऑफिसर के खिलाफ हम लोग मजबूती से इसको आवाज़ बुलंद करेंगे। सब लोग सड़क और कानून व्यवस्था, या फिर यहाँ की जो लचर व्यवस्था है या स्वास्थ्य व्यवस्था है, सब इसी को लेकर मुद्दा बनाते हैं, आपका अलग क्या सोच है जिस पद के लिए आपको अजय प्रताप सेवा समिति के द्वारा सम्मानित किया गया? मेरा सोच ये है कि गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, लाचार, असहाय, मजदूर, किसान, नौजवान को हक अधिकार उसको मिले, गांव-गांव तक, प्रखंड बूथ स्तर तक पहुंचे, यही हमारी सोच है। उसको जो लोग इलिटरेट, जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे नहीं हैं, कमज़ोर वर्ग से हैं, उन तक उनकी लाभ नहीं, सरकार की लाभ नहीं पहुँच पाती है। सरकार सात निश्चय योजना के अंतर्गत कई लाभ देती है, 1-2 दोनों मिला, दोनों जो है, 7-1, 7-2 दोनों का लाभ सरकार का गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। वो मुझे लोगों तक, गांव तक पहुंचाना है, गरीब वंचित लोगों तक पहुंचाना है। बहुत सी महिला जो है उन तक जो हो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, उनको हम लोग घर जाकर उसका लाभ उनको समझाने का काम करेंगे कि हमारे बड़े भैया, युवाओं के हृदय सम्राट, जमुई के विकास पुरुष अजय भैया के प्रति क्या लगाव है, उनको समझाएंगे क्या जो विकास हुआ, आज मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, आज पॉलिटेक्निक कॉलेज देख रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं, किनका देन है? सब हमारे बड़े भैया अजय प्रताप भैया का देन है, चाहे नरेंद्र चचा हों, चाहे दिवंगत नेता अभय सिंह जी हों, सब उनका देन है। जमुई में जो भी विकास हुआ है सब नरेंद्र चचा के परिवार की का ही देन है, दूसरा कोई भी नहीं किया है। इस बात को मैं ठोस सबूत के साथ बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जी, गौरव कुमार सिंह। किस पद के लिए आपको जो है सम्मानित किया गया है? जी, कोषा अध्यक्ष पद के लिए सम्मानित किया गया है। क्या कार्य करेंगे आप इस गठन के लिए? अस्पताल की वैसे तो सारे चीज़ भैया विस्तार में बता ही दिए हैं, और हम लोग जो है बहुत कुछ उन्हीं से सीखे हैं, उनके मार्गदर्शन में चलेंगे, बस।
अभी अगर आपको ये नियुक्ति देते हैं कहीं जाकर के आप अस्पताल जाइए जी, देखिए क्या स्थिति है जी, ठेवने भर पानी हो जाता है जी, लेकिन फिर भी जो है इसका मैं लगातार उस चीज को लेकर खबर भी चलाया हूँ, नहीं लगता है कि युवाओं में जोश, अगर जोश होता तो उस खबर को इतना ज्यादा शेयर करते कि वो जो है स्वास्थ्य मंत्री अभी जो वर्तमान बने हैं तेजस्वी यादव अब तक आकर के उसका संज्ञान ले चुके होते, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कुछ दिन पहले भैया भी गए थे वहाँ क्या निरीक्षण करने, तो इन्होंने कहा है कि अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे। उन्होंने कहा था कि 45 दिनों का टाइम देता हूं अगर नहीं होता है तो। जी अभी 45 दिन जी, वैसे कार्रवाई सही से नहीं हो पाई है। 45 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, अभी 45 दिन हुआ नहीं है और जो आदेश होगा हम लोग आक्रोश मार्च करेंगे सड़क। करीब करीब हम पुणे को है जी अभी, लेकिन अब कल परसों के पेपर में भी आ गया है, हमारी बात को भी संज्ञान में लिया गया है और यहाँ से भी प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा 4 डॉक्टर के बहाली का लेटर चला गया है, 4 3 डॉक्टर के पे कार्रवाई भी हो गई है के लिए चला गया लिख के, रवि माधव थे और एक एजाज अहमद और एक कोई हाँ एक और कोई डॉक्टर, इन पे कार्रवाई की हो गई है और अभी तक हम आंदोलन ऐसे हवा में करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन हमारी बात अभी 3-4 दिन पहले 14-15 मिनट बात हुई सिविल सर्जन से, तो उन्होंने बोला कि सर बहुत सुधार पे है, आपके आने के बाद सुधार पे हुआ और डीएम साहब ने भी 4 डॉक्टरों को जो हमने भेजा था रिक्विजिशन उस पर स्वीकृति हो गई कि 4 डॉक्टर की बहाली होगी। दूसरा, अभी परसों तरसों पेपर में निकला है फ्रंट पेज पे ही कि जिले पूरे खाली जम्मू जिला का ही नहीं निकला, उसमें नाम देखिएगा सबका है, जहाँ जहाँ सदर हॉस्पिटल है सबको दुरुस्त किया जाएगा, ये हेल्थ मिनिस्टर की ओर से आया है, ये परसों के अखबार में हिंदुस्तान में हमने देखा। जल जमाव बहुत ज़्यादा हो रहा है सर जम्मू सदर अस्पताल। हाँ जल जमाव हो रहा है, मानते हैं इस चीज़ को, अब नगर परिषद है क्योंकि अब तो नगर परिषद निरस्त हो गई है, अभी चुनाव होना है तो अब नया नगर परिषद का गठन होगा, उसमें हम लोग जल जमाव की प्रक्रिया बहुत पुरानी है और हम बता दें अभी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में है श्री सम्राट चौधरी जी, उस वक्त हमने DPR तैयार कराया था, मांझी जी चीफ मिनिस्टर थे और 360 करोड़ का DPR भी तैयार हुआ था कि ड्रेनेज और सीवरेज दोनों का, उसके बाद सरकार चली गई, जब कैबिनेट में अप्रूव होना था अप्रूव होने के पहले सरकार गिर गई, उसके बाद हम भी चुनाव हार गए, लेकिन जो जीते मंत्री भी बने यहाँ के उसके बाद भी जो विधायक बने उन्होंने कहीं कोई संज्ञान नहीं है, खाली ये कि दूसरे का किए हुए काम पर अपना ठप्पा लगा देना है, ये बस यही चल रहा है यहाँ तो।